वाला ध्यान देंगे सब लोग। मम गीते मुग्धम सम जगत, मम नृत्ये मुग्धम सम जगत, मम काव्ये मुग्धम सम जगत, रस भरिता भारत जनता एम। मम मतलब मेरे, गीत मतलब गीती होता है, मुग्धे मतलब मोहित है या मुग्ध है। तो यह पूरा संसार या संपूर्ण संसार मेरे गीतों से मुग्ध है। सम जगत मतलब संपूर्ण संसार। फिर है मम नृत्य मुग्ध सम जगत। सम जगत का मतलब होता है संपूर्ण संसार, जगत मतलब संसार, ठीक है। उसके बाद मेरे नृत्य से यह सारा संसार मोहित है या मुग्ध है, ठीक है। उसके बाद है मम काव्ये मुग्धम सम जगत, मेरे काव्यों से मतलब कविताओं से ये सारा जन संसार मोहित या मुग्ध है। रस भरिता जनता अहम्। रस भरिता मतलब क्या होता है? रस से परिपूर्ण या आनंद से भरी हुई, आनंद से भरी हुई। यह संसार आनंद से भरी हुई है, ठीक है। मतलब मैं भारत की जनता हूं और यह सारा संसार आनंद से भरा हुआ है। वापस देखिए, मेरे गीतों से यह सारा संसार मुग्ध है, मेरे नृत्यों से यह सारा संसार मोहित है या मुग्ध है, मेरे काव्यों से सारा संसार मोहित है या मुग्ध है, और मैं भारत की जनता आनंद से भरी हुई हूँ। चाहे तो परिपूर्ण भी लिख सकते हैं, आनंद से भरी हुई हूँ, ठीक है। फिफ्थ वाला देखिए, मैं भारतीय जनता उत्सव प्रिया अहम। उत्सव प्रिया मतलब क्या होता है? त्योहार, त्योहार से प्रेम रखने वाली हूँ या करने वाली हूँ। तो क्या आ जाएगा? मैं भारतीय जनता उत्सवों से प्रेम करने वाली हूँ। श्रम प्रिया मतलब मैं परिश्रम से प्रेम करने वाली हूँ। पद यात्रा मतलब क्या होता है? पैदल चलने वाली। देशाटन प्रिया मतलब पैदल ही चलने वाली और देश भ्रमण से प्रेम करने वाली हूँ। ये फर्स्ट लाइन का मीनिंग है, ठीक है। तो क्या बता रहे हैं? मैं भारतीय जनता उत्सवों से प्रेम करने वाली हूँ, मैं परिश्रम से प्रेम करने वाली हूँ, श्रम मतलब परिश्रम होता है, परिश्रम से प्रेम करने वाली हूँ, और पैदल यात्रा एवं देश भ्रमण से प्रेम करने वाली हूँ। सेकेंड लाइन देखेंगे, लोक क्रीड़ा आसक्ता। लोक क्रीड़ा मतलब संसार की क्रीड़ाओं से, मतलब खेलों से। लोक मतलब संसार होता है, क्रीड़ा मतलब खेलों से। तो आप चाहे तो लोक क्रीड़ाओं से अनुराग रखने वाली भी लिख सकते हैं, या आप चाहे तो संसार के खेलों से अनुराग रखने वाली। आसक्ता मतलब अनुराग रखने वाली हूँ। वर्दे अतिथि देवा। वर्दे का मतलब होता है मानने वाली, और अतिथि मतलब जो मेहमान होते हैं, देवता मतलब देवता। मैं अतिथि को देवता मानने वाली हूँ। भारतीय जनता अहम, मैं भारत की जनता हूँ, ठीक है। देख लीजिए, मैं भारतीय जनता हूँ, इसका कैसे लिखेंगे इंडिया? मैं भारतीय जनता उत्सवों से प्रेम करने वाली, परिश्रम से प्रेम करने वाली, पैदल यात्रा एवं देश भ्रमण से प्रेम करने वाली, लोक क्रीड़ाओं से अनुराग रखने वाली, संसार के खेलों से अनुराग रखने वाली और अतिथि को देवता मानने वाली हूँ। मैं ऐसी भारतीय जनता हूँ। सिक्स्थ वाला,
मैत्री में सहजा प्रकृति रसती नो दुर्बलतया पर्याय मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति जनता अहम। ईशान समझ में आ गया आपको? ईशान और बाकी बच्चों को भी, किसी को कोई प्रॉब्लम इनमें? सिक्स वाला बता रही हूं मैं। मैत्री मतलब मित्रता, मे मतलब मेरी, सहजा मतलब स्वाभाविक रूप से, प्रकृति मतलब स्वभाव, और रस्ती अस्थि मतलब क्या होता है? मेरा स्वभाव क्या है? स्वाभाविक रूप से, मेरा स्वाभाविक रूप से या सरल रूप से स्वभाव यही है कि मैं सबके साथ मित्रता रखती हूँ, क्योंकि मैं भारत की जनता हूं। इसलिए नो दुर्बलता या पर्याय ना, और क्या बता रहे हैं कि मैं कभी भी दुर्बलता का पर्याय नहीं हूं। क्या बता रहे हैं कि मैं संसार को, जो इस संसार में दुर्बलता नहीं दिखाती हूँ, अर्थात उसकी दुर्बलता जो है वो कोई पर्याय या वाचक शब्द नहीं है, अर्थात मित्रता जो है करना उसका कोई दुर्बलता का वाचक शब्द नहीं है। ठीक है, मित्रस्य चक्षुषा संसारे, और इस संसार को, मित्रस्य मतलब मित्रता की, चक्षुषा मतलब आंखों से या नेत्रों से देखती हूँ, पश्यंती मतलब देखती हूँ, मैं संसार को मित्रता की दृष्टि से ही या मित्रता की नेत्रों से ही देखती हूँ। आप चाहे तो ऐसे ही लिख सकते हैं, सभी के साथ मित्रता का व्यवहार करती हूँ और मित्रता की दृष्टि से ही संसार को देखती हूँ। फिर है भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूँ। देखिए वापस से समझिए भी, फिर लिखेंगे। मेरा स्वभाव क्या है? सरल स्वभाव या स्वाभाविक, स्वाभाविक रूप से मेरा स्वभाव क्या है? अभी अभी मैंने बताया प्रकृति का मतलब स्वभाव होता है, तो मेरा सरल रूप से या स्वाभाविक रूप से स्वभाव है कि मैं मित्रता सभी के साथ रखती हूँ, और मित्रता करना उसकी दुर्बलता का कोई वाचक शब्द नहीं है, मतलब पर्याय शब्द नहीं है। अगर वो मित्रता रख रही है भारतीय जनता, तो उसका कोई वाचक शब्द नहीं है, बल्कि वो इस संसार में सभी के साथ मित्रता का व्यवहार रखती है और इस संसार को मित्रता की दृष्टि से ही देखती है, और वह भारतीय जनता है। लिखिए इसको, मैं भारतीय जनता इस संसार को मित्रता की दृष्टि से देखती हूँ। मित्रता की दृष्टि से ही देखती हूँ। यह मित्रता उसकी दुर्बलता का वाचक शब्द नहीं है, यह दुर्बलता उसकी यह मित्रता उसकी दुर्बलता का वाचक शब्द नहीं है या वाचक नहीं है, बल्कि सभी के साथ मित्रता का व्यवहार करना, बल्कि सभी के साथ मित्रता का व्यवहार करना है, बल्कि सभी के साथ मित्रता का व्यवहार करना है। और यही मेरा स्वाभाविक स्वभाव है, और यही मेरा स्वाभाविक स्वभाव है। पहली वाली लाइन लास्ट में बन जाएगी आंसर लिखते समय। विश्व अस्मिन जगति
गता अस्मि, क्या बता रहे, विश अस्मि, अस्मि मतलब इस, विश्व मतलब संसार में, इस संपूर्ण संसार में मैं गता मतलब व्याप्त हूं, मैं संसार पूरे संसार में हूँ, व्याप्त मतलब होता है कि मैं संपूर्ण संसार में रहती हूँ, और विश्वसनीय जगती सदा दृश्य, और यह संपूर्ण संसार हमेशा सब जगह दिखाई देता है, दृश्य मतलब दिखाई देना, सदा मतलब हमेशा या सदैव भी लिख सकते हैं, तो यह सारा संसार सभी जगह दिखाई देता है। विश्वसनीय जगती करोमी कर्म, और मैं संसार में कर्मशील हूं, या इस संपूर्ण संसार में मैं कार्य करती रहती हूँ, इस संपूर्ण संसार में मैं कार्य करती रहती हूँ। कर्मण्या भारता जनता अहम, और संसार में वह कर्म ही करती रहती है, मतलब कर्म करना ही उसका प्रमुख कार्य है। ऋषिका बार बार में क्यों निकल रहे हैं आप? देखिए कैसे लिखेंगे इसको, मैं भारतीय जनता इस संपूर्ण संसार में व्याप्त हूं मतलब रहती हूं, मैं भारतीय जनता इस संपूर्ण संसार में व्याप्त हूं, और इस पूरे संसार में हमेशा सर्वत्र, चाहे तो सभी जगह भी लिख सकते हैं, सभी जगह दिखाई देती हूं, और मैं इस पूरे संसार में हमेशा सभी जगह दिखाई देती हूं, मैं भारतीय जनता कर्मशील हूं, मैं भारतीय जनता कर्मशील हूं। क्या बोल रहे नितेश, अनम्यूट करके बोलो, क्या बोल रहे प्रेजेंट लगा, बस ये फालतू ही सवाल पूछना। मैं भारतीय जनता कर्मशील हूं, इसलिए मैं इस संसार में, चाहे तो पूरे संसार भी लिख सकते हैं, इस पूरे संसार में हमेशा कर्म करती रहती हूं, मैं भारतीय जनता इस संपूर्ण संसार में व्याप्त हूं, मैं संसार में हमेशा सभी जगह दिखाई देती हूं, मैं भारतीय जनता कर्मशील हूं, इसलिए पूरे संसार में हमेशा कर्म करती रहती हूं। क्वेश्चन नंबर वन, प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदम लिखे, एक वर्ड में उत्तर देना है आपको। पहला वाला क्वेश्चन है, एम वसंत राम किम मन्ये, मैं पृथ्वी को क्या मानती हूँ, परिवार, तो परिवार को क्या बोलते हैं, कुटुंबम, मम सहजा प्रकृति का अस्ति, क्या होती है मेरा स्वाभाविक स्वभाव, मित्रता करना, मित्रता की संस्कृत मैत्री होता है, मैत्री आ जाएगा दूसरे, तीसरे है कुलिशा, मतलब वज्र से भी कठिन हूँ, संसार को देखती हूँ तो संसारम।
पहले वाले का लॉन्ग आंसर में फर्स्ट वाले का, तीसरे का फर्स्ट वाला, भारत जनता अहम के परिपूर्णता अस्ति, किससे वो पवित्र हो जाती है, अध्यात्म रूपी नदी में स्नान करने से। तो उसका श्लोक देखिए तीसरा वाला, तीसरे वाले का सेकंड लाइन, अध्यात्म सुधा तटनी स्नाने परिपूर्णता। फिर क्वेश्चन में से आ जाएगा अस्ति, पहले तो आप ऐसे लिखेंगे भारतीय जनता अहम, क्वेश्चन में से ये भारतीय जनता अहम। फिर श्लोक का तीसरे श्लोक की लास्ट लाइन देखिए, अध्यात्म सुधा तटनी स्नाने परिपूरिता अस्ति, परिपूरिता अस्ति आ जाएगा। दूसरे का आंसर सम जगत कथम मुग्धम अस्ति, पहले सम जगत लिखेंगे क्वेश्चन में से, सम जगत श्लोक में आ जाइए इधर, इसको समझ में नहीं आएगा मैं लिख देती हूँ आपको, कैसे लिखेंगे, सम जगत मम गीते नृत्य काव्य च मुग्धम अस्ति। दोनों को कट कर दीजिए, किम किम को उसकी जगह प्रियम और श्रेयम लेते हैं, कैसा आंसर बनेगा, अहम प्रियम मतलब रुचिकर लगने वाले और श्रेय मतलब कल्याणकारी चुगलाई करने वाले हैं। क्वेश्चन में से आ जाएगा चुनौती, तो क्या आंसर बना आपका, अहम प्रेम श्रेयम चुनौती। पुत्र सदा दृश्यते कहां पर दिखाई देती हूँ मैं, विश्वसनीय जगती पूरे संसार में, तो अहम विश्व विश्वसनीय विश्वसनीय से सदा दृश्य नेक्स्ट क्वेश्चन है सम जगत, जो मैंने अभी लिखवाया था तीसरा वाला आंसर, एम किम किम चुनोमी, नहीं दूसरा वाला आंसर जो मैंने लिखवाया था आपको वही लास्ट वाले में आएगा, कैसे होता है मेरे गीतों से मेरे नृत्य से काव्य से मुग्ध होती है, यही वाला वापस आंसर लिख दीजिए लास्ट वाले आंसर में, लास्ट वाला आंसर किससे मोहित होता है ये सारा संसार, मेरे गीतों से नृत्यों से कविताओं की से सबसे मोहित होता है, तो एज इट इज लिख देंगे आप लोग,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संधि विच्छेद कीजिए। ब्लैंक्स में दे रखे हैं, फर्स्ट वाला तो कर रखा है आपका, दूसरा वाला देखिए कैसे लिखेंगे। संसार के खेलों में अनुराग रखने वाली कुसुमार प्लस अभी, फिर ये दे रखा है उद्यम, नृत्य, अस्थि और असक्ता। ये तो मैच द फॉलोइंग वाले हैं दोनों, सिक्स फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन। यस दिख रहा है, कवेश अनम्यूट होके बोलो एक बार, आपको दिख रहा है ब्लैक बोर्ड पे? कवेश, कवेश, कवेश सुनाई दे रही है आवाज? हाँ तो दिखाई दे रहा है बेटा क्लियरली। फिफ्थ वाला देखिए, सुकुमारा का मतलब क्या होगा इसमें, विशेष्य भारत, भारत जनता। सुकुमार का जो तीसरे नंबर वाला है ऑप्शन, उसमें फर्स्ट नंबर डाल लीजिए। फिर सहजा का इसके जस्ट नीचे प्रकृति, दूसरा नंबर डाल लीजिए। विश्वसनीय का क्या हो जाएगा, जगती। विश्वसनीय का क्या हो जाएगा, जगती। और समम का क्या होगा, जगत। और समस्ते का क्या हो जाएगा, संसारे। तो नंबर क्या आ जाएगा, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3। क्लियर? वैभवी, वैभवी अनम्यूट होके बोले एक बार, हैव यू क्लियर दिस आंसर? वैभवी फर्स्टली अनम्यूट योरसेल्फ। वैभवी अनम्यूट करके बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान अर्थकानी पदानी मेलियत, इसके सेम वर्ड लिखने हैं आपको। जगती का क्या होता है, संसारे। पुलिशात व्रजात, व्रजात। फिर है प्रकृति का स्वभाव, चक्षु का, चक्षुषा का नेत्रेण, तटनी का नदी, वसुंधराम का पृथ्वी, जगती का संसारे, पुलिशात का व्रजात, लास्ट सेकेंड वाला। फिर प्रकृति का स्वभाव, चक्षुषा का नेत्रेण, तटनी का नदी, वसुंधराम का पृथ्वी। तो उसके नंबर भी देख लीजिए मैच करके, 5, 6, 1, 3, 2, 4। लास्ट आंसर, उचित कथना नाम समक्षम आम, अनुचित कथना नाम न च इति लिखत। आपको राइट रॉन्ग लिखना है इसमें, सही गलत। पहले वाले में आए, अहम परिवारस्य चक्षुषा संसारम पश्यामि, सही। आम लिख लीजिए इसमें, सम जगत मम काव्ये मुग्धम अस्ति, ये भी आम आ जाएगा इसमें। एम अविवेका भारत जनता अस्मि, ना।
थर्ड वाले में ना, फोर्थ वाले में भी ना, और फिफ्थ वाले में आम। वापस से रिपीट कर रही हूँ, आम पहले वाले में, दूसरे वाले में भी आम, तीसरे वाले में ना, चौथे वाले में भी ना, और पांचवे वाले में आम। ये आपका पार्ट पूरा समाप्त हो चुका। सारे क्वेश्चन आंसर करने हैं आपको कॉपी में, हिंदी अर्थ और क्वेश्चन आंसर सारे के सारे करने। यस, 5 मिनट्स लेफ्ट बचे हैं, आप लोग पेज नंबर निकाल लीजिए 50। नेक्स्ट चैप्टर, वीडियो ओपन करके रखो ना तो मुझे पता भी लगे। हजीत, लक्ष्य, हर्षिता, वैष्णवी, हाँ बेटा वर्क तो दिखना चाहिए ना, आप लोग कर रहे हैं। बस ओनली वन स्टूडेंट, संसार सागर से नायिका। हार्ड है थोड़ा सा चैप्टर, फिर भी समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। संसार सागर से नायिका, संसार का मतलब क्या होता है? संसार, सागर से मतलब सागर, समुद्र होता है ना वो, नायक मतलब अभिनेता। आप चाहें तो नायक भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप चाहें तो नायक भी लिख सकते हैं, ओके। संसार रूपी समुद्र के नायक, कैसा आंसर हिंदी अर्थ हो जाएगा? संसार रूपी सागर के नायक, इस संसार को सागर के समान माना है और ये सागर के नायक हैं, ठीक है। प्रस्तुत पाठ अनुपम ऋषि की एक कृति आज भी खरे है। तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे, मतलब गायब जो हो रहे ना उसको बोलते विलुप्त, विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान कौशल शिल्प के धनी गजदर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यह संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। क्या बताना चाह रहे हैं इसमें कि जो समुद्र है ना उसको नायक माना है लेखक ने, कवि ने, और वो बताना चाह रहा है